नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगे हैं। वहीं बसपा ने खानपुर विधानसभा सीट से चौधरी रविंदर पनियाल को प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर चौधरी रविंदर पनियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण सैनी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा रविंदर पनियाल ने, आप भी सुनिए। आज बात करेंगे हम खानपुर विधानसभा के दावकी कला गांव की, जहां पर बसपा प्रत्याशी चौधरी रविंदर सिंह पहुंचे हैं और जानना भी चाहेंगे कि जिस तरह से आज दावकी कला गांव के मतदाताओं ने जिस तरह से बसपा प्रत्याशी चौधरी रविंदर सिंह जी का जो स्वागत किया है और अपना जो मतदान है वो बसपा प्रत्याशी रविंदर पनियाली जी के पक्ष में करने की बात कही है। जानना चाहेंगे रविंदर से जो क्षेत्र की समस्या है उन पर, जो यहाँ के मतदाता उन पर इनका क्या जो समस्या थी उनको किस तरह से लेके चलेंगे, और जो यहाँ का पिछड़ा खानपुर विधानसभा है उसमें मूलभूत सुविधाएं की बहुत कमी है। जानना चाहेंगे कि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनसे वंचित भी रह चुके हैं, और लगातार यहाँ से 4 बार के विधायक भी हैं, विकास की बात भी करते हैं और विकास के नाम से जाने भी जाते हैं। आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे जो क्षेत्र की जनता है आपके समर्थन में खड़ी है, जो विकास रुके हुए हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा। जी रविंद्र जी, अभी तक तो विकास यहाँ के लोगों ने अपना ही विकास किया, क्षेत्र का कोई विकास आपको भी दिख रहा होगा, हर गांव में 1 किलोमीटर की सड़कें हैं, उनमें 250-250 मीटर में पानी भरे पड़े हैं। तो आप लोगों को विकास अगर यही मानना हो कि यही विकास होता है तो उसके लिए तो मेरे पे कोई शब्द नहीं है। और रही दाब की कला गांव के अपने जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं और यहाँ के जो हमारे मौजूद बुजुर्ग युवा नौजवान दोस्त जिन्होंने आज मुझे समर्थन दिया है, उनका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं यहाँ अंदर से बैठा बैठा आंखों में आंसू आ रहे थे कि इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी कि मैं इन पर पूरे जोर लगाए, हर बार जोर लगाए, रिश्तेदारों ने भी लगाए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इतने मजबूत स्तंभ के रूप में उनके साथ में ये जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं जो इतनी नफरत और इतनी पीड़ा है तो इसी से पता चला कि विकास क्या। मेरा तो आप लोगों के एक संदेश है कि मैं इन लोगों के मत से विधायक बनता हूँ तो मेरा जो विधायक की तनख्वाह उसमें मेरा अधिकार नहीं है, उस विधायक की तनख्वाह भी पूरे 5 साल में इस क्षेत्र के उन्हीं लोगों में जागी जिन्होंने ये लोगों ने विधायक बनाकर अपना ये विधानसभा में भेज कर उस तनख्वाह पर अपना हक जमाया। सर रविंद्र जी, अभी आपने एक बात रखी है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वहाँ के गरीब ऐसा है व्यक्ति हैं, उनकी जो लड़कियों की शादी होती है वो विधायक निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से की जाती है, लेकिन हरिद्वार जिले में ने ऐसा कभी आज तक नहीं देखा कि यहाँ भी विधायक निधि हो या PM निधि हो या मुख्यमंत्री की निधि से कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, जो गरीब लोग हैं उनकी जो लड़कियाँ उनकी शादी की जाए। अगर आप विधायक बनते हैं जो पहाड़ों में हो रहा है, क्या वो हमारे हरिद्वार जिले में हो पाएगा या खानपुर विधानसभा में हो पाएगा? जी रविंद्र जी, इस खानपुर विधानसभा में पहले ही साल में ऐसी कोई कन्या जो हमारी लड़कियां हैं ऐसी कोई किसी घर में आपको बैठी नहीं मिलेगी कि उसकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच हो और उसकी शादी ना हुई हो। इस विधानसभा का सौभाग्य और अपने आप में बहुत बड़ा ये निर्णय है कि हम लोगों ने उनका बीड़ा उठाया, उनका कन्यादान सब यहाँ का जो हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक बनेंगे उनके कन्यादान भी हम ही करने का काम करेंगे। आप भी देखना शुरू कर दोगे, पहले ही महीने में हम ये बीड़ा उठा दें। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ में और भी हैं, कि इस बार जो मतदाता है उनका क्या रुझान है, जानना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं विशाल चौधरी चेयरमैन साहब, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो क्षेत्र के मतदाता उनका क्या रुझान है, क्योंकि यहाँ पहले भी लगातार चैंपियन साहब विधायक रहे हैं, और इस बार जनता का क्या मूड है, जनता क्या बदलाव चाहती है इस बार? विशाल जी, खानपुर की जनता जो हमारे विधायक से उनसे उब चुकी है और बदलाव चाहती है। यहाँ का युवा अब एक बदलाव की ओर है और पूरा पूरा समर्थन भाई रविंदर सिंह पनियाला की ओर कर चुका है और बिल्कुल मूड है। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, नौजवानों का साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है कि इस बार जो हमारे पूर्व विधायक है उनको दूर करना है और भाई रविंदर सिंह पनियाला को खानपुर विधानसभा से विधानसभा भेजना है विधायक बनाकर। जानना चाहेंगे और भी हमारे साथ में है, जानना चाहेंगे कि क्या क्षेत्र की जनता है उसका क्या मूड है, ये भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम राहुल कुमार है। क्षेत्र की जनता पूरा मन बना चुकी है रविंदर सिंह पनियाला जी को इस बार भारी मतों से जिताना है। एक तो सामान्य जीत होती है लेकिन हमको इन्हें भारी मतों से जिताना है। और एक सबसे बड़ी जो पुरानी, मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा रविंदर पनियाला जी से, ये पूरे यहाँ की नहीं पूरे खादर की समस्या है कि ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। भाई साहब मैं एक बात कहूंगा, खानपुर विधानसभा में दाब की कला को खानपुर विधानसभा का एक गढ़ माना जाता है और जो यहाँ के गांव के मतदाता हैं, जो मतदाता जिसके पक्ष में अपना मतदान करते हैं, ये भी सभी जानते हैं कि वही विधानसभा में पहुंचता, तो इस बार क्या रुझान रहेगा मतदाता? इस बार रुझान जो है 3/4 से ज्यादा रविंदर सिंह पनियाला के पास जाना है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ठेकेदारी प्रथा है कि पूरे गांव का 4 लोगों को जिम्मेदार बना दिया जाता है। मैंने पहले भी आग्रह किया है कि यहां बैठा हर एक व्यक्ति डायरेक्ट अपनी विधायक जी से बात कर सके। ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। हर व्यक्ति पूरा मान सम्मान रखता है, ऐसा नहीं है कि देखो हर व्यक्ति के पास समय नहीं रहता कि वो विधायक के पास 24 घंटे रहे, लेकिन एक हर व्यक्ति वोट रखता है, वो अपना अधिकार रखता है, अपना मान सम्मान रखता है, तो ये मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है। केवल 4 व्यक्ति का मान सम्मान है, अगर पूरे गाँव के व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। आज पहुंचे थे खानपुर विधानसभा के दाब की कला गांव में, जहां बसपा प्रत्याशी के समर्थन में सभी ने बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ रविंद्र पनियाला जी को कहा है कि हम आपके साथ हैं और आप संघर्ष करो। और इस बार जो 2022 का चुनाव है उसमें बसपा प्रत्याशी रविंद्र चौधरी को ही जिताकर विधानसभा भेजने का दाब की कला गांव की जनता करेगी। लक्सर से मैं प्रवीण सैनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे, ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी अपनी छाप छोड़ने में लगे हैं। ऐसे में लालकुआ विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे से खास बातचीत की लालकुआ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर ने। इस दौरान क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। सभी दर्शकों नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज पहुंची है लालकुआ विधानसभा में और एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। फ्रेम में आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं चंद्रशेखर पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और लालकुआ विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो चंद्रशेखर पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पांडे जी, पहला सवाल तो ये रहेगा कि चुनाव बिल्कुल बच चुका है और चुनाव नज़दीक है, 14 फरवरी को चुनाव होना है, किस तरीके की तैयारी आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी पूरी रूप से हम कर रहे हैं। डोर टू डोर आजकल हमारा कैंपेन चल रहा है और हम डोर टू डोर जो है आदमी से संपर्क कर रहे हैं और जनता का हमको जो है अपार सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में हमारा और भी ग्राफ बढ़ेगा और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पांडे जी, एक सवाल ये भी रहेगा, जनता रूपी आशीर्वाद यदि आपको मिलता है तो क्या ऐसे मुख्य मुद्दे रहेंगे जिस पर आप कार्य करेंगे? यदि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो हम पूरी कोशिश करेंगे जनता के विश्वास में खरा उतरने की करेंगे और जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और यहाँ पर जो भी विधानसभा के अंदर का जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए प्रयास करेंगे। पांडे जी, एक सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची दी और जिसमें आपने देखा कि एक महिला प्रत्याशी को टिकट मिला, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के आधार पर टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस के जो अन्य जो दावेदार थे उनमें भी जो बगावत चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है, हम आम आदमी पार्टी का मानना है कि हर आदमी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको एक समान वो मिलना चाहिए। महिलाओं के अपमान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समाज में हर वर्ग का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। पांडे, एक सवाल ये भी रहेगा कि आम आदमी पार्टी के जो CM हैं, दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन उत्तराखंड में आकर लगातार घोषणाएं करते हुए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जनता में वास्तव में केजरीवाल जी के जो वादे हैं उनका प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, हम आजकल कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उसका असर जरूर जनता के बीच में पड़ा हुआ है क्योंकि जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। दोनों सरकारों ने उनको जिस प्रकार से वो बना रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है, वो समझ चुकी हैं कि इनके बेवकूफ़ बनाने में अब नहीं आने वाली है और दिल्ली मॉडल को देखते हुए, दिल्ली में उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसको देखते हुए यहाँ की जनता को विश्वास है कि जितनी भी इनके द्वारा गारंटी दी गई यहाँ सरकार बनने पर वो निश्चित रूप से इसको मुहिम कराएंगे। डबल इंजन की सरकार में एक मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा जो बिंदु खत्ता रासू गाँव का था, किस तरीके से देखते हैं, जनता रूपी आशीर्वाद यदि आपको मिलेगा तो क्या प्रयास रहेंगे बिंदु खत्ता क्षेत्र के लिए? मेरा मानना यह है कि यदि डबल
इंजन वाली सरकार इसमें प्रयास करती तो कोई न कोई हल निकलता या वो चर्चा में रहता जिससे कि उस मुद्दे का निष्कर्ष एक दिन आता। लेकिन डबल सरकार होने के बाद भी हर जगह सरकार इनके होने के बाद नगर पालिका से लेकर चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब जगह सरकार होने के बाद भी इनके द्वारा राजस्व ग्राम की जो आपका प्रश्न है इसको सही ढंग से नहीं उठाया गया है, क्योंकि जनता द्वारा जो मांग की गई थी इनके द्वारा केवल एक प्रस्ताव के रूप में उसको भेज दिया गया, जबकि सरकार को चाहिए था कि कैबिनेट से पास करा के सेंटर को भेजना चाहिए था। ये सभी जानते हैं कि बिना सेंटर के उसे राजस्व ग्राम का जो है नहीं होना है, क्योंकि इसकी कार्रवाई जो राज वहीं सेंटर से होनी है। यदि इसको ये केंद्र में यहाँ से अपने कैबिनेट से पास करके भेजे होते निश्चित तौर पर केंद्र में इसको कोई डिस्कस होता और कोई कोई निष्कर्ष एक दिन निकलता। तो हमारे साथ बातचीत में खास मेहमान थे चंद्रशेखर पांडे, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जनता परिवर्तन चाहती है और विधानसभा 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार जीत दर्ज करेगी। धर्मेंद्र आर्या, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से लाल। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पर आधी रात को एक बाइक अचानक स्लिप हो गई। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय भेजा है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि चंद्रभागा पुल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है जिससे घटना की असल वजह पुलिस जान सकेगी। लालको विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी हिंदुवादी नेता नवीन पंत नाभाधास आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए वो नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। नवीन पंत नाभाधास भारतीय चैतन्य बौद्ध के पदाधिकारी भी हैं। वो लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हमारी पार्टी ने जो कि यहाँ से अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया जिसके दौरान मुझे जनता के हितों के लिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है जिसके लिए मैं कल नामांकन कराऊंगा यहाँ पर को, और क्षेत्र की मातृशक्ति युवा शक्ति हमारे साथ है और क्षेत्र के कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए हैं और इतनी बेरोजगारी है और नशे के खिलाफ हमने काफी सारी बड़ी लड़ाई लड़नी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाएगा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपना लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी
उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ ही दिन बाकी है, वहीं इससे पहले की राजनेता दल बदल में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी से सुबोध उनियाल को टिकट मिलने से ओम गोपाल रावत नाराज चल रहे थे। गणतंत्र दिवस पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंघल ने नुक्कड़ सभा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि अगर चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया तो स्थिति होमगार्ड से भी बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आ रही है, लेकिन संभल विधानसभा क्षेत्र से उनको नहीं जिताया गया तो संभल का विकास नहीं हो पाएगा। भले ही प्रदेश में योगी सरकार आ जाए, संभल में स्थिति होमगार्ड से भी बुरी हो जाएगी। होमगार्ड की कोई औकात नहीं होती। ये बयान सदर कोतवाली के ठीक सामने महज 10 कदम की दूरी पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण के वक्त दिया गया। औरैया जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कमर कस ली है। कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र के पथरिया बस्ती इलाके में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को नष्ट किया गया। साथ ही साथ कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। शहर का पछिया बस्ती इलाका अवैध शराब निर्माण के लिए प्रशासन ने पहले से ही चिन्हित कर रखा है। DM और SP ने अपने नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से कहीं पर भी अगर अवैध शराब का निर्माण कराया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई थाना पुलिस करे। मीडिया से बात करते हुए DM सुनील वर्मा और SP अभिषेक वर्मा ने कहा कि सटीक सूचना पर यह संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है। जनपद औरैया, औरैया का जो कस्बा है पछिया बस्ती से कहते हैं, यहाँ पे सूचना के आधार पे हम लोगों ने रेड मारी है और कई घरों में जहाँ पे लोग गायब मिले हैं, जहाँ पे लोग नहीं थे, लेकिन मौके से काफ़ी सामान यहाँ पे वैसा बरामद हुआ है जिससे दारू जो देसी शराब है उसको बनाए जाने की आशंका है। वो सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बनाने का जो मटेरियल वो इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा जो देसी मदिरा प्रतीत हो रही है वो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया है, अभी रेट चली रही है। कई सारे क्राइम रिलेट होते हैं तो जिलाधिकारी महोदय और मेरे निर्देशन में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की जा रही है और भारी मात्रा में अब तक हमने बहुत अवैध शराब का जो लहन है, सामग्री जिससे अवैध शराब बनती है उसको बरामद किया है और अवैध शराब भी बरामद करी है। साथ ही साथ कुछ भट्टियों के सामान और शराब बनाने का अलग उपकरण हमने बरामद किए हैं। अभी रेड क्योंकि प्रचलित है, कंटिन्यू है, तो अभी हम इसकी संख्या डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, पर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए, क्राइम को इन जनरल दृष्टिगत रखते हुए ये रेड चल रही है। और पौड़ी विधानसभा चौबट्टा खाल पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है। विधानसभा चौहटन में जहां बीजेपी ने कद्दावर नेता सतपाल महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार सतपाल महाराज को टक्कर देने के लिए केसर सिंह नेगी को चुना है। माना जा रहा है कि अब विधानसभा चौबट्टा खाल में केसर सिंह नेगी और सतपाल महाराज के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। कांग्रेस विधानसभा चौबट्टा खाल में महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रत्याशी की तलाश कर रही थी जो कि महाराज को पटखनी दे सके, इसलिए कांग्रेस ने केसर सिंह नेगी पर भरोसा जताते हुए केसर सिंह नेगी को मैदान में उतारा है।
ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी के पास महिला का गला दबाकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासे में बताया गया कि महिला की हत्या करने वाला उसका पति था। महिला की हत्या करने के बाद महिला के पति ने महिला के शव को जंगल में फेंक दिया, बलिया उत्तर प्रदेश में फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति अपनी पहली पत्नी से मिलने ऋषिकेश पहुंचा था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये दिसंबर में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी बाद में शिनाख्त हुई, तो वो आरती जो निवासी उड़ीसा की थी उसका शव पाया गया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 23 जनवरी को, और इसमें फिर इंस्पेक्टर ऋषिकेश और SOG ऋषिकेश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इनको सफलता मिली है, जिसमें इसमें मुख्य आरोपी जो है अभियुक्त जो उस मृतका थी उसका ही पति है उसको अरेस्ट किया गया है। और उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी दूसरी शादी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये महिला उसे, तो उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहीं IDPL के जंगल में उसको वो लेके आया और उस सर पे चोट मारकर और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पौड़ी के कोटद्वार के भावर क्षेत्र में मतदाता दिवस के दिन द्वार क्षेत्र के 30 जरूरतमंद दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया। समाज सेवी सक्षम के सदस्य गौरव जोशी ने बताया शासन की तरफ से दिव्यांग को सूचीबद्ध कर मत देने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था और सुविधा जानकारी दी गई। वहीं विकलांग दिव्यांग समिति सहायता समूह की तरफ से भावर दुर्गापुर के जरूरतमंद परिवारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी जन जागरूकता अभियान के तहत सभी दिव्यांगों को जागरूक किया गया। आज भावर क्षेत्र के कलालगटी उदयरामपुर वार्ड में आज हम लोगों ने दिव्यांगों को अपने जो मतदाता दिवस के रूप में उनको जन जागरूकता अभियान भी चलाया और उसके बाद हम लोगों ने उनको 50 दिव्यांगों को कंबल वितरित करने का काम किया। मैं बता दूं कि सक्षम अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है उसके रूप में हम लोग पूरे भावर क्षेत्र में 500 कंबल दे चुके हैं और निरंतर दिव्यांगों की जो उनके लिए व्हीकल्स उपलब्ध कराना हो, दिव्यांगों के लिए यंत्र उपलब्ध कराना हो, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और अपना मतदान 14 फरवरी को होना है उसके रूप में शासन ने जो निर्देश दिए हैं तो वो भी हमने दिव्यांगों को समझाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद किशोर उपाध्याय ने BJP मुख्यालय पहुंचकर BJP का दामन थाम लिया। ऐसे में किशोर उपाध्याय को BJP की ओर से टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। BJP मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किशोर उपाध्याय को BJP की सदस्यता दिलाई है। खबर फरकाबाद से, शिवपाल यादव की करीबी नेता अर्चना राठौर कांग्रेस में शामिल हो गई है। वो महिला प्रसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। बता दें कि प्रसपा ने भोजपुर विधानसभा 195 से उनको प्रत्याशी घोषित किया था और सपा बसपा गठबंधन के बाद भोजपुर सीट सपा के खाते में चली गई। टिकट कटने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं उनके कांग्रेस के टिकट पर भोजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।